स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कानपुर के विकास दुबे केस में हम पुलिस की लापरवाही को भुला भी नहीं पाए थे कि संजीत यादव नाम के युवक का पहले अपहरण और फिर उसकी हत्या के मामले ने एक बार फिर से पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस मामले में पुलिस की भूमिका इतनी लचर है कि उसे एक बार फिर से 11 पुलिस वालों पर कार्रवाई करनी पड़ी है, जिसमें एसपी स्तर के अधिकारी तक शामिल हैं। चलाकों ने मेरे बेटे को पकड़ के गला घोट दिया, मेरे बेटे को पकड़ के गला घोट दिया। ये आंसू एक बहन के हैं, ये आंसू उत्तर प्रदेश की एक बेटी के हैं, ये आंसू हिंदुस्तान के लोकतंत्र के नागरिक के हैं। अब भी आप पूछेंगे कि ये आंसू किसके हैं, वैसे पूछना ही है तो ये पूछिए कि ये आंसू किसके नाम पर है। भाई के नाम पर, इंसाफ के नाम पर, बेबसी के नाम पर या फिर पुलिस की लापरवाही के नाम पर? आप कुछ भी सोचने के लिए आजाद हैं। सोच और सच्चाई का ये फर्क ही तो इस परिवार के दुख का कारण है। गलियों, चौराहों और शहरों में खाकी लिबास में गुजरते पुलिस वालों को देखकर परिवार का इत्मीनान भी तो यही रहा होगा कि हमारे साथ कभी जातियों का जवाब देने की नौबत आई तो पुलिस ही परिवार की मददगार होगी। मगर ये तो ख्वाबों की तरह फरेब निकला। सिपाही, दरोगा और थानेदार ना भी सुने तो क्या हुआ, साहब और साहिबान तो सुनेंगे ही, लेकिन कौन जानता था कि घर का लाडला संजीत जब एक रात घर नहीं लौटेगा और एक एक पल की बेसब्रियां खाकी पर भरोसे का इम्तहान लेने उतर आई तो पासिंग मार्क कौन कहे, पुलिस जीरो पर सिमट जाएगी। मैंने उस बार राखी बांधी तो ये नहीं सोचा था कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं होगा। अपने भाई के लिए मैं सब जगह गई, सबसे विनती करी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जब मेरा वक्त था तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अब तमाशा देखने के लिए सब लोग आ रहे हैं, अब क्यों आ रहे हो मेरा साथ? उनके ऊपर कारागार में डलवा दिया जाए। जो तकलीफ मेरे भाई ने सही है, जो पीड़ा हमारे परिवार ने सही है, उन्हें भी पता चले दर्द क्या होता है, एक बेटे का भी चढ़ना क्या होता है, एक भाई का भी चढ़ना क्या होता है, एक बाप के लिए उसका बेटा कितना सहारा होता है। वैसे भी कानपुर पुलिस की विश्वसनीयता संजीत केस से पहले विकास दुबे के केस में किस तरह संदिग्ध है ये पूरा देश जान चुका है। एक थानेदार माफिया के आगे घुटने टेक चुका था। इस केस में जिस तरह से पुलिस वालों ने अपहर्ताओं को पैसे दिलाए, फिर इससे इनकार कराया और फिर परिवार ने पैसे देने की बात कबूली, उसमें भी एक नया पेच आ गया है चूरन के नोटों का। मैडम को छोड़ दो, मैडम कितने रुपए था उसने? जरा सोचिए, क्या आपको यकीन हो सकता है कि जिस पिता का बेटा अपहर्ताओं के चंगुल में फंसा हो वो बदमाशों को चूरन के नोट थमाने का जोखिम मोल लेगा? लेकिन उत्तर प्रदेश या कहें कि कानपुर पुलिस की हालत ऐसी है कि थाने में मौजूद पिता ये कहने का जोखिम उठा रहा कि उसने चूरन के नोट थमाए हैं। वो ऐसे भी कि पिता को कहां पता कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। उसका ये बयान बेटे को बचाने से ज्यादा पुलिस को बचाने का हथियार लग रहा है। लेकिन इंसाफ सिर्फ बेटे के हत्यारों को सजा मिले वो भी नहीं होता, बल्कि बेटे को हत्या के अंजाम तक ले आने में बरती जाने वाली लापरवाही पर भी होता है। और उसे इंसाफ की पहली किश्त है 11 पुलिस वालों का सस्पेंड हो जाना, जिसमें सिपाही से लेकर साहब तक शामिल हैं। एएसपी साउथ अर्पणा गुप्ता को सस्पेंड किया गया है। गोविंद नगर सीओ
मनोज गुप्ता भी सस्पेंड हो चुके हैं। बर्रा के थाना अध्यक्ष रणजीत राय को भी सस्पेंड कर दिया गया है। चौकी इंचार्ज राजेश कुमार भी सस्पेंड और साथ ही सात और पुलिस वाले भी इस पूरे मामले में निलंबित किए गए हैं। संजीव, हाँ यही नाम था कानपुर के उस लैब टेक्नीशियन का जिसका चेहरा परिवार अभी देख नहीं पाया है, लेकिन कानपुर पुलिस का वो एक विभत्स चेहरा दिखा गया और इस चेहरे पर ही विपक्ष लहालोट हो रहा है। उत्तर प्रदेश को झकझोर देने वाली घटना है, संजीत यादव का अपहरण होता है, फिरौती पुलिस दिलवाती है और आज उसकी हत्या हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? सरकार है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। आज जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में घट रही हैं, आम आदमी घर से निकलने के पहले 100 बार सोच रहा है कि हम घर जाएंगे सवेरे निकलेंगे तो शाम को घर आ पाएंगे कि नहीं, बना क्या रखा है। कुल मिलाकर संवेदना और संजीत की मौत के बाद अब सियासत की गोद में है, जिस पर आंसू बहाने वाले नेता उसके घर पहुंच रहे हैं और जो नहीं पहुंच रहे वो ट्वीट से अपने जज्बात छलका रहे हैं। कानपुर से प्रभात अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। सिर्फ कानपुर पुलिस ही नहीं, मेरठ पुलिस का भी एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसे सुनकर यकीन नहीं होता कि पुलिस पीड़ितों के साथ किस मानसिकता से काम करती है। एक फरियादी, वो भी महिला फरियादी के लिए पुलिस का रवैया ना केवल शर्मनाक होता है बल्कि जानलेवा भी, क्योंकि जिस फरियादी की बात हम कर रहे हैं उसका कत्ल हो चुका है और मामला लव जिहाद की शक्ल में सूबे और देश के सामने है। मेरठ में खौफनाक डबल मर्डर की दास्तां का दर्दनाक सच सबने देखा, लेकिन इस दर्द को दोहरा करने वाले कई और मसले हैं जो रह रहकर सामने आ रहे हैं। भले ही अब शमशाद पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की बेकरारी दिख रही हो, लेकिन इस मामले में पुलिस का लचर रवैया क्या रहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। चलो और बताओ, कोई बात हो तो बताओ। नहीं कोई बात नहीं, वही बात थी बस जो आपको बता रखी है सभी। हाँ चलो ठीक हो तो मेरे याद है। ठीक है, फिर कुछ और बात थी सर? चलो ठीक नहीं है एकदम, फिर करेंगे बातें और भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं अभी। नहीं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन? हाँ हाँ, उसमें लॉकडाउन खत्म हो जाए तो मैं देख क्या होता। ये मामला 2019 में उस दौर का है जब शमशाद के साथ रहने वाली प्रिया ने उसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और तब पुलिस का रवैया ऐसा था कि पीड़ित की सुनवाई के लिए स्पेशल टाइम मुकर्रर कर रही थी। खास बात यह है कि रवैया थाने के दूसरे स्टाफ की बजाय जांच अधिकारी का था। इस लापरवाही का अंजाम क्या हुआ ये भी गुरुवार को देखा गया जब शमशाद के घर के फर्श में बनी प्रिया और उसकी बेटी की कब्र को खोदा गया। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी शमशाद को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन अपनी नाक बचाने की खातिर हाथ पैर मारना शुरू कर चुकी है। बकौल शहर के कप्तान, अब शमशाद की संपत्तियों की जांच के साथ उसकी बीवी को तलाशने पुलिस की टीम बिहार तक जाने की तैयारी कर रही है। डॉक्यूमेंटेशन जो है, चूंकि गंभीरतम घटना है, इससे बहुत ही ऐसा असर पड़ा तो इसमें NSA की कार्रवाई के लिए भी प्रस्तावित किया गया है। बहुत जल्द इसमें रासुका की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी और जो भी एविडेंस है उन सबका मिलान किया गया है। बहुत दुर्दांत तरीके से घटना की गई थी, दीवार में और छतों में कपड़े, मोबाइल, घड़ी, ये सारी चीज़ें छुपाए गए थे जिसको तोड़ के लगातार पुलिस ने निकाला है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की भी इसमें मदद ली गई है और इन सब तथ्यों के आधार पर आगे एक टीम बनाकर इस पूरे मामले की विवेचना की जा रही है। जैसे ही डॉक्टरों द्वारा बताया जाएगा कि उसकी हालत ठीक है और पूछताछ के लायक है, उसे न्यायालय से वार्ता करके अपना पक्ष प्रस्तुत करके पुलिस रिमांड में लिया जाएगा और बाकी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इसकी पत्नी अभी फरार है, इस मुकदमे में मुलजिम है, उसकी गिरफ्तारी हेतु एक टीम बिहार रवाना कर दी गई है और वो भी कार्रवाई चल रही है। पुलिस का दावा है कि अब शमशाद के बैंक खातों को भी खंगाला जाएगा। इसके साथ ही शमशाद के नाम बदले जाने को लेकर जो बात कही जा रही है उसकी जाँच भी की जा रही है। SSP ने कहा कि शमशाद की गिरफ्तारी के वक्त एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी उसके पास से बरामद हुई है। ये पिस्टल उसके पास कहां से आई है इसकी भी जांच की जा रही है। मेरठ से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। मुद्दे की बात में अब बात अयोध्या की।
राम जन्मभूमि पर तैयारियां तेज हो गई हैं। अब इसका जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। वो शनिवार को दोपहर बाद अयोध्या पहुंचेंगे। यहां भूमि पूजन के कार्यक्रम से जुड़े तैयारी का जायजा लेंगे और सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा लेंगे। जिन लोगों ने सीने पे गोली खाई है, देख रहे हैं, अजीत धारा नहीं थी तब यहाँ खून बहता था। वो शंकराचार्य नहीं, वो सनकाचार्य हो गए हैं, सनकी हो गए हैं। शुभ बातों में ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, वो खुद अशुभ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख करीब है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। उन्हीं के साथ देश भर के मुख्यमंत्रियों को कार्यक्रम में बुलाने की बात की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अयोध्या में बड़ी सियासी हलचल होनी तय है। इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने होंगे। और इन्हीं इंतजामों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जुलाई को अयोध्या जाएंगे। मुख्यमंत्री यहां सुरक्षा तैयारियों के साथ पूजन निर्माण और मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन के कार्यक्रम का भी जायजा लेंगे। वहीं भूमि पूजन पर उठे विवाद के बीच हाईकोर्ट में लगी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली के एक पत्रकार की तरफ से दाखिल की गई याचिका में कोरोना गाइडलाइन को आधार बनाया गया था। खत के जरिए दी गई इस याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने की, जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता की आशंकाओं को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने ट्रस्ट और यूपी सरकार को कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलकती मांग है अभी, अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं पिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है, जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, जिन लोगों ने सीने पे गोली। वहीं संतों के बीच मुहूर्त को लेकर छिड़ा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ अयोध्या के संतों के सुर है तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्यों का संग्राम। मसला है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के मुहूर्त का। इसका पेच हाईकोर्ट की चौखट से तो सुलझ गया, लेकिन संतों की दर पर अटका हुआ है। मुहूर्त को लेकर संतों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा। द्वारकापीठ के शंकराचार्य के बाद अब एक और शंकराचार्य मुहूर्त को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने भी 5 अगस्त की तारीख को पंचांग और शास्त्र संगत नहीं बताया है। शंकराचार्य का तर्क है कि सर्वोच्च धर्माचार्यों को बुलाकर भूमि पूजन कराने की जरूरत है। काशी सांस्कृतिक केंद्र है, काशी में हर तरह के सैकड़ों ज्योतिषी विद्वान हैं, 8-10 तरह के पंचांग निकलते हैं, लेकिन किसी पंचांग में 5 अगस्त को ग्रहारंभ, भूमि पूजन या शिलान्यास का मुहूर्त नहीं है। इसका शिलान्यास शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य, न्यूबार्काचार्य, जो 4-5 हमारे शीर्षस्थ संप्रदायों के आचार थे, उन आचार्यों के द्वारा 5 शिलाओं का शिलान्यास करना चाहिए था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सबको रहना चाहिए था, धर्म का काम था, राम का काम था, तो और उत्तम होता, सुखद होता और राष्ट्रहित में होता। विपक्षी बोल नहीं पा रहे क्योंकि विपक्षी जैसे स्वरूपानंद जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उनके मन में एक भाव था। हालांकि अयोध्या के संत इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि पूजन का समय तय है और उसी समय पर होना चाहिए। हम कहना चाहेंगे कि जो लोग पीठ पर स्थापित आचार्य जगत गुरु कहे जाते हैं, आज हमें मजबूरन कहना पड़ रहा है कि वो शंकराचार्य नहीं, वो सनकाचार्य हो गए हैं, सनकी हो गए हैं। और शुभ अशुभ का जहाँ तक प्रश्न है, तो जो राम जी के लिए शुभ था, जो सनातन धर्मावलंबियों के लिए शुभ था, वो रावण के लिए अशुभ था और आज भी वो अशुभ है। यही अशुभता है, बाकी चारों ओर शुभता ही शुभता है और ठाट बाट से मंदिर का निर्माण होगा। वहीं इस मामले में अब राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोग और भाजपा नेता विनय कटियार इस पर विवाद करने वालों को आड़े हाथों ले रहे हैं।
स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कोई समय ऐसा नहीं गया है जब उन्होंने विरोध न किया हो। हमेशा उन्होंने विरोध किया है, कभी साथ नहीं दिया है। और मैं समझता हूँ अगर वो इस मुहूर्त का समर्थन करते, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और वो अयोध्या रहते तो बहुत अच्छा होता। वैसे सच तो ये है कि सनातन परंपरा में किसी भी बड़े काम के लिए मुहूर्त देखा जाता है, लेकिन इस सनातन परंपरा की स्थापना करने वाले भी तो स्वयं ईश्वर ही हैं, और ग्रह नक्षत्र भी तो माना जाता है कि उन्हीं के इशारे पर चलते हैं। ऐसे में उनके काम में बाधा डालने की जरूरत कौन दिखा सकता है, ये तो संत और शंकराचार्य भी समझते होंगे। अयोध्या से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर नेपाल से छोड़े गए पानी ने यूपी के कई जिलों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई नदियों में पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। प्रशासन राहत इंतजामों में लगा है, लेकिन घबराए हुए लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करने पर मजबूर हैं। कोरोना काल में आए तबाही के इस विकराल बाढ़ काल ने प्रदेश के कई शहरों में लोगों का जीना मुहाल कर दिया। नदियां उफान पर हैं, गांव की जनता, किसान सब परेशान हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश से मैदानी इलाकों की नदियां विकराल रूप लेती जा रही हैं। नदियों का रौद्र रूप घरों, सड़कों, खेतों की फसलों को रौंदता जा रहा है। उफनती हुई गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और आपको बता दें कि इस जलस्तर के बढ़ाव के कारण जो दिक्कतें होंगी उससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से गंगा की लहरों के बीच तैनात है। अब देखिए, हम इस वक्त एनडीआरएफ की टीम के साथ मौजूद हैं और कॉम्बिंग जारी है। एनडीआरएफ की टीम गंगा के किनारे जो लोग पहुंचे हैं उनसे ये अपील करती हुई नजर आ रही है कि आप किनारे पर गहराई की ओर ना जाएं, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये गोरखपुर का बैकुंठ धाम है, जहाँ तक नजर जाती है पानी ही पानी। राप्ती ने यहाँ ऐसा रौद्र रूप दिखाया है जिसके चलते चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखाई देता है। पानी में मंदिर आधे डूबे हुए, कई घरों में पानी घुसा हुआ है, क्योंकि राप्ती यहाँ खतरे के निशान को पार कर गई। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है, यहाँ नदियों का बढ़ता जलस्तर खतरे की घंटी बजा रहा है। राप्ती के अलावा रोहिन और सरयू नदी भी यहाँ खतरे के निशान को पार कर गई है। दर्जनों गांव बाढ़ से घिर गए, गांव वाले पलायन करने को मजबूर। राप्ती में बढ़ते जलस्तर के चलते बैकुंठ धाम के आसपास रहने वाले लोगों के आशियाने डूब गए हैं। जिंदगी बसर करने में भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 4 से 5 दिनों में ही यहाँ पानी 10 से 15 फीट तक बढ़ गया है। बाढ़ ने खेत, बागीचे सबको तबाह कर दिया है। उधर अयोध्या में सरयू नदी के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरयू का पानी अब खतरे के निशान से तकरीबन 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। सुबह ही जल आयोग की टीम ने जब सरयू का जलस्तर रिकॉर्ड किया तब नदी 92 मीटर 94 सेंटीमीटर के निशान के आसपास बह रही थी, जो खतरे के निशान से काफी ज्यादा है। वहीं नेपाल से सरयू नदी में छोड़े गए 2.5 लाख क्यूसेक पानी के चलते बाराबंकी में भी लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घाघरा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की नींद उड़ा दी है। यहाँ के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। एलिंगन ब्रिज पर बने कंट्रोल रूम के मुताबिक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 54 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है, जिससे सिरौली, गौसपुर और रामनगर तहसील के करीब 6 दर्जन से ज्यादा गांव चपेट में आ गए हैं। उधर श्रावस्ती के लोगों को राप्ती की विकराल धारा का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जमुनाहा के बोहरवाहा गांव में नदी ने कहर बरपा दिया है, मुख्य मार्ग कट गया।
दर्जनों गांव के लोगों का आना जाना बाधित हो गया है। लोग साइकिल को कंधे पर लादकर पार हो रहे हैं। घाघरा नदी की उफनती तेज धारा ने बहराइच में कैसा कहर बरपाया है उसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। बाढ़ से कटान बढ़ गई है और घर बाढ़ की चपेट में आ गया है। दरअसल बहराइच में ऐसे दर्जनों गांव घाघरा की कटान की जद में आ गए हैं। यहां की तीन तहसील महसी कैसरगंज मेहीपुरवा के दर्जनों गांव पर कटान का खतरा मंडरा रहा है। लोगों के अरमानों का आशियाना उनकी नजरों के आगे ध्वस्त हो रहा है। हालात को देखने के लिए स्थानीय प्रशासन भी यहां पहुंचा और मदद का भरोसा दिया। और अब लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का ये हाल भी देखिए। समझना मुश्किल है ये नदी है या समंदर का किनारा। उफनती शारदा नदी के किनारे बसे कई गांव के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सिंचाई विभाग ने राहत के कई इंतजाम किए हैं, लेकिन परियोजना का कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते यहाँ के लोगों की मुसीबत और बढ़ गयी है। कटान को देखते हुए प्रशासन ने यहां लोगों को सावधान रहने को कहा है। उधर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। खतरे की आशंका को देखते हुए प्रयागराज में एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई, जबकि एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज में जब गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान को पार करती हैं, तो प्रयागराज का तकरीबन एक चौथाई शहरी इलाका बाढ़ के पानी में डूबने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।